राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी नई दिल्ली की सामान्य परिषद ने पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इनमें छत्तीसगढ़ से लोक संगीत की दो लोक गायिकाओं पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई एवं पद्मश्री डॉक्टर ममता चंद्राकर को शामिल किया है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और परंपरा को देश ही नहीं बल्कि विदेश तक पहुंचाने में पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई और पद्म श्री डॉक्टर ममता चंद्राकर ने बड़ी भूमिका निभाई है। विश्व प्रसिद्ध पंडवानी को अपनी शैली में गाकर जहां तीजन बाई ने विदेश तक अमिट छाप छोड़ी, वहीं ममता चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ की लोक परंपराओं और तीज त्योहारों को लेकर ऐसे गीत गाए जो लोगों के दिल में बस चुके हैं। संगीत नाटक अकादमी द्वारा दोनों कलाकारों को पुरस्कृत किए जाने की घोषणा से कला जगत में उत्सव का माहौल है। डॉक्टर ममता चंद्राकर ने अपनी खुशी को कुछ इस प्रकार से जाहिर किया। नमस्कार, जय जोहार। आज मोर जीवन के तपस्या जो रही से, मोर माता पिता के जो इच्छा रही से, वो पूर्ण हुई। एकर लिए मैं आज छत्तीसगढ़ के तमाम जनता ला में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका स्नेह और उनका प्यार के वजह से ये अवार्ड मोल आज घोषित हुए हैं मोर नाम के लिए। जे मैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कोई भी कलाकार के ला पाना एक बहुत सौभाग्य के बात होते हैं और ये सौभाग्य मोला आज मिले हैं। एकर लिए मैं अपन माता पिता और मोर बड़े भाई लाल राम कुमार सिंह उनला ये पुरस्कार ला समर्पित करना चाहता हूँ और उनका ढेर सारा आशीर्वाद और पूरा जनता के आशीर्वाद मोला हमेशा ऐसे मिलत रहे। एकर लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय जोहार।